नमस्कार, वीरी टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिनेश लाल यादव को भाजपा ने आजमगढ़ सीट से चुनाव में उतारा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा पार्टी ने रामपुर सीट से अपने प्रत्याशी का नाम तय कर दिया है। रामपुर से बीजेपी का चेहरा घनश्याम लोधी होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इससे पहले 2014 में भाजपा प्रत्याशी रमाकांत यादव इस सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से चुनाव हारे थे। ताजा अपडेट्स के लिए वीरी टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।